गुड मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप सभी का स्वागत है द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस में। आज देखते हैं कि 22 फरवरी को कौन कौन सी प्रमुख आर्टिकल आई हैं। सबसे पहली जो आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे ऑटोनॉमस एक जो AI के कंपोनेंट होते हैं और वेपनाइजेशन के तौर तरीके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर जो है ये आज की जो हम लोग आर्मी देखते हैं, एयरफोर्स देखते हैं या नेवी देखते हैं तो इसमें जो आर्म्ड पर्सनल्स होते हैं उसको ये रिप्लेस करेगी किस तरीके से ये ऑटोनॉमस बॉडीज, और वो उसके लिए जो है क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि वहाँ पर जो हर जगह क्लियरिटी हो। जैसे कि यूनाइटेड नेशन होती है तो वो हर चीज़ों को देख रेख करती है, तो वैसे इस इक्विपमेंट को देख रेख करने वाली कोई ऐसी बॉडी नहीं है, तो उसकी आवश्यकताओं के बारे में इस आर्टिकल में समझेंगे। साथ ही साथ दूसरी आर्टिकल होगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि फैक्ट्स से कुछ कैसे सस्पेक्ट उभर कर आ रहा है, खास करके जो स्टैटिस्टिक्स हमारे को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हमेशा देखते हैं कि कोई एक तरीके से अगर देखो तो हमारी GDP की ग्रोथ कुछ और दिखती है, दूसरे तरीके से देखो तो कुछ और ही बातें रिवील करती हैं फैक्ट्स। तो इन सब के बीच एक जो है उसकी इंडिपेंडेंस किस तरीके से होनी चाहिए हमारे स्टैटिस्टिक्स टेल ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तीसरी आर्टिकल पुलवामा अटैक से सारी सीरीज हम लोग देखते आ रहे हैं, उसके सारे फैक्टर्स मैंने आपको समझा दिए कि ग्लोबल तरीके से हम लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, पाकिस्तान इसको किस तरीके से देखता है, इंडिया को क्या करनी चाहिए। उसमें एक दो नए पॉइंट्स आए हैं कि हमें जो है किस तरीके से इंटेलिजेंस सर्विस को और हमें ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, तो उसे भी हम लोग थोड़े लास्ट में देख लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसके PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/today@click पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको वहां पर UPSC से रिलेटेड बहुत सारे और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अब देखो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि मार्च 2014 की बात है, लगभग 100 ऑफ द मिस्टीरियस गनमैन कहां पर आते हैं, स्ट्रीट ऑफ क्रीमिया में आते हैं और बिगेन टेकिंग ओवर द लोकल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है उसको मतलब वो टेक ओवर करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में ये बातें पता चलती है, कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये किसका हाथ था इसके पीछे, रशिया का हाथ था। तो ये बहुत अपने आप में डेडली तरीका था कि वहां पर जाना और कोई दूसरे देश में जाकर वहां की लोकल अथॉरिटीज को टेक ओवर कर लेना। सेम उसी तरीके अगर आप पाकिस्तान को देखो तो ये भी जो है needed to shield itself from the international backlash as the Russia did, मतलब कि ये सारी चीजें रसिया किया, क्रीमिया पे जाकर लोकल अथॉरिटी को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो यूनाइटेड स्टेट कुछ कह रहा था, ना तो चाइना कुछ कह रहा था, ना इंडिया उस पर कुछ रिएक्ट किया, मतलब सब अपने अपने पोजिशंस पे न्यूट्रल थे, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं किया। लेकिन यही चीज अगर कोई पाकिस्तान छोटी से भी हरकत कर दे तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे लताड़ने लगती है, और उसको लताड़ने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन है, इंडिया, जो कि इंडिया एक मतलब एकदम में अब ये बोलता है कि हम जो है पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट हम लोग घोषित करवा कर ही रहेंगे। पाकिस्तान में भी टेम्पटेड टू टर्न टुवार्ड द न्यू मेथड, और ऐसी स्थिति में जब वो देखता है कि इंडिया जो है हमें एक घोषित कर देगा टेररिस्ट स्टेट, तो वैसी स्थिति में अपने आप को बचाव के लिए, क्यों, क्योंकि उसकी जो वो करते आया पिछले आजादी से मिलने के आज 70-72 साल बाद हम लोग मार्स तक पहुंच गए, इतने हम लोग जो एडवांसमेंट कर लिए अपने इकोनॉमी में, लेकिन ये कहां आज तक 72 सालों में सिर्फ कोशिश क्या करता आया कि कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद फैलाया जाए, यही इसकी डेवलपमेंट की स्टोरी है। तो ये अपने अपने स्टोरी से तो कभी हटेगा नहीं, तो उसके पीछे क्योंकि उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं छोड़े, कुछ ऐसे प्रमाण नहीं छोड़े, इंडिया प्रूव नहीं कर पाया कि इस पे पाकिस्तान कहां था, तो ये कुछ नए मेथड की भी तलाश करने की कोशिश करेगा। और जब मैं नए मेथड की बात करता हूं तो इसका नाम है लॉज, जिसे हम लोग कहते हैं लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम। पूरे आर्टिकल में हम लोग इसको लॉज के नाम से देखेंगे, और लॉज की खासियत क्या है, ये जो है डिटेक्ट कर सकती है, सेलेक्ट कर सकती है और अटैक भी कर सकती है उस टारगेट पे, और उसमें जो है ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता भी नहीं होती है। और सबसे खूबसूरत की बात अभी यह है कि कोई भी इंटरनेशनल रूल्स भी जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए हैं, और इसका फायदा जो है पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर सकता है, और खास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाने के लिए। अब आप बोलोगे इंटरनेशनल रूल्स, जैसे कि हम लोग देखे World War I, World War II हुआ, फिर यूनाइटेड नेशन आया, यूनाइटेड नेशन आने के बाद World War III जैसे सिचुएशंस अब तक पैदा नहीं हो पाए, इसमें उसकी आप कह सकते हो बहुत अहम भूमिका थी, क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज एंड ऑर्डर्स को वो देखता है। लेकिन जब बात होगी ऐसे इक्विपमेंट्स की, जो कि इक्विपमेंट
इवेंट्स के बारे में अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ही नहीं है, तो उसके लिए जो है कोई ऐसी कंसर्न्ड अथॉरिटी भी खड़ी नहीं हुई है। इसके पीछे के भी मकसद को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले देखो कि लॉज जो है ये बहुत सारे बेनिफिट हमें देता है, जैसे कि इंक्रीज द रीच एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स। ये ऑब्वियसली है, क्योंकि फोर्स को जाकर अपने जान की बाजी नहीं खेलनी, वो घर बैठे चीजों को अंजाम दे सकते हैं। ये कैजुअलिटीज को कम कर सकता है, और प्रेजेंस इन द वास्ट एंड इनएक्सेसिबल टेरेंस, वैसे जगहों पर जहां पर पर्वत हो, पठार हो, बर्फ जैसे रेगिस्तान हो, वैसे सिचुएशंस में भी ये जो है बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। और जब ऐसे टेरेन की बात करो तो इंडिया का भी टेरेन अगर देखो तो मतलब तीन हिस्सा समुद्र के किनारे आपको दिख जाएगा। अगर गुजरात और राजस्थान के एरियाज देखो तो वहां पर आपको डेजर्ट मिल जाएंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर की रीजन चले जाओ ऊपर तो वहां पर आपको बर्फ मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री नॉर्दर्न इंडिया में चले जाओ तो वहां आपको पूरे जो है पहाड़ एंड पठार मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो ये जिस तरीके से ज्योग्राफी है तो उसके लिए ये एक बहुत इफेक्टिव टूल भी साबित हो सकती है, पुलिस एंड द प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी। दिस कुड टेक थ्री फॉर्म। और ये जो हम लोग लॉज की बात करते हैं, ये लॉज तीन तरीके से डिप्लॉय हो सकता है। पहली बात क्या, स्टेट को डायरेक्टली डिप्लॉय द लॉ, मतलब हम लोग डायरेक्टली ऑटोनॉमस वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने सेना में सम्मिलित कर लें। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में रसिया का एग्जाम्पल बताया कि वो क्रीमिया में गया और वहां पर टेक ओवर कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो पाकिस्तान करता है, इक्विप प्रॉक्सी सच एज इंसर्जेंट और द टेररिस्ट ग्रुप को वो सारी चीजों को दे देना, और अपनी जगह कोई स्टेट की जगह पाकिस्तान की आर्मी खुद के जगह क्या बोले, जैसे मोहम्मद जैसे लोग जो है टेररिस्ट जैसे लोग इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेल्स, मतलब कि अगर जो है पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसे कोई स्टेट ले लो जो कि क्या बोले वहां से कोई आतंकवादी संगठन जो कि बहुत मजबूत बन जाए, तो वैसे संगठन जैसे कि आप तालिबान का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो तालिबान क्या करेगी, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मान लो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी इक्विपमेंट होगी तो उसे चोरी कर लेगी और उसका फिर मिसयूज करेगी। तो ये तीन तरीके से लॉज को डिप्लॉय किया जा सकता है, एंड लॉज आर स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेट। और सबसे बेहतर बात यह है कि लॉज जो है अभी भी डेवलपमेंट के स्टेज में है, और डेवलपमेंट के स्टेज का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। और जब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की आवश्यकता होगी एंड फेयरली इनएक्सेसिबल। और यही कारण है कि बहुत ऐसे छोटे मोटे जो देश हैं उसके लिए अभी ये इनएक्सेसिबल है। और जहां तक छोटे मोटे देश के अलावा परमानेंट जो यूनाइटेड नेशन के पावर्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गए, फ्रांस हो गए, रसिया हो गए, यूके हो गए, तो इन लोगों के पास तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें हैं। और रिजेक्टेड मूविंग टुवर्ड द न्यू इंटरनेशनल लॉ ऑन द ऑटोनॉमस वेपन, और यही लोगों के कारण जो है ये ऑटोनॉमस वेपन पे जो है कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉज नहीं बन रहे, कुछ ऐसे संस्थान भी उभर कर नहीं आ रहे। इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो डेवलप्ड स्टेट हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का एग्जाम्पल ले लो, रसिया का एग्जाम्पल ले लो, या फिर आप यूके का एग्जाम्पल लो, ये सारे स्टेट क्या किए, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद खुद बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। उस वक्त जो छोटी छोटी कंट्रीज थी इसको ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही त्रासदा से गुजार रहे थे, उस पर जो है जितनी तरीके की उत्पीड़न करनी थी वो सब काम कर रहे थे, उसे डेवलप होने को नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब छोटी छोटी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, जब वो अपनी डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होनी स्टार्ट हो गई, तब वहां पर फैक्टर्स आ गया ग्लोबल वार्मिंग का। और जब ग्लोबल वार्मिंग का फैक्टर्स आ गया तो यही डेवलप्ड कंट्री अब क्या बोलने लगी कि हमको जो है स्मोक की इमिशन नहीं करनी है। तो अब अगर स्मोक की इमिशन नहीं करनी तो छोटे छोटे कंट्री आखिर डेवलप कैसे करेंगे, क्या वो गरीब के गरीब ही बने रह जाएं? तो ये फैक्टर जो होते हैं कि ये भी अगर चाहती है डेवलप्ड कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, यूके जैसी कंट्री, कि एक बार जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फुल्ली एडवांस्ड हो जाएंगे, उसके बाद छोटी छोटी कंट्री को जब ये एडवांसमेंट का वक्त आएगा तब हम उस पर क्या करेंगे, बैन लगा देंगे। यही इनकी मकसद दिखती है। यूनाइटेड स्टेट और रसिया की अगर बात करो तो एक्टिवली परसुइंग द एआई ड्रिवन मिलिट्री सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी ये लोग यूज कर रहे हैं। चाइना में भी अगर आप देखो तो कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर चल रहा है, और इसीलिए दिस पावर्स वुड सपोर्ट द रिजिम ऑन लॉज ओनली आफ्टर दे डेवलप एंड प्रीफर द टेक्नोलॉजी डेवलप देमसेल्फ एंड सप्लायर्स मस्ट बी एबल टू प्रूव दैट। और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास आएगी कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे जो भी कम्युनिकेशन की
माध्यम होती है, हमारे जिस तरीके से हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों से इसे डेवलप की जाती है। तो वो सारी चीज़ों का डेटा किसके पास है, वो सारी की चीज़ों के डेटा मान लो कि गूगल के पास है। क्यों? कि गूगल के पास आपका जो है आपके फ़ोन नंबर तो है ही, आपके लोकेशन भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी है, आप कौन से बैंक में आपकी अकाउंट है, वो सारी चीज़ें मान लो गूगल के पास ऑलरेडी सेव हैं। तो इस डेटा को किस तरीके से मिसयूज ना किया जाए, उससे रिलेटेड भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता है कि जिसको मिसयूज कर कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन के हाथों अगर ये सारी डेटा लग गई तो वो पूरे विश्व पर जो है गलत तरीके से कब्जा भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें जो है थोड़ी सीरियस होने की आवश्यकता है। दूसरी आर्टिकल में हमें बताएगी कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स आती है, और जब जब आती है तो इसमें हम लोग पहले भी एक दो आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है एक इंडिपेंडेंस होने की आवश्यकता है, और इंडिपेंडेंस इसलिए भी कि एक्सटर्नल ऑवरसाइट परफॉर्म दिस फंक्शन इंसुलेट दम। क्यों? और इसमें जो ये कार्य करने की प्रणाली होती है, ये इसमें सिर्फ मतलब पॉलिटिकल विंग के लोग कोई नहीं होते, इसमें जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो मतलब कोई बाहर के भी लोगों से हेल्प लेते हैं, और सबकी सहभागिता से जो मतलब डेटा उभर कर आती है कलेक्ट करते हैं, और डिफरेंट तरीके के डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। मतलब कि हमारे देश में मान लो कि वृक्ष कितने हैं, हमारे देश में बुजुर्ग कितने हैं, हमारे देश में इम्प्लॉयड लोग कितने हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटाज हमारे पास आते हैं, और जब वो डेटा आती है तो हमारी गवर्नमेंट को वो हेल्प करती है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाने के लिए। और साथ ही साथ जब वो डेटा हमारे पास आती है तो दूसरी कंट्री भी जो है इस चीज़ों को देखती है, उस डेटा को देखने के बाद हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या फिर आपके कंट्री में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस करता है, और रिसर्च एंड एनालिसिस में यही जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इंडियन स्टैटिस्टिक्स हैव कम अंडर द क्लाउड, और इन सब के बीच इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बहुत तरीके से हमने देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरीके से हम इम्प्रूव कर रहे थे, और 70 सालों में हमारी जो डेटा है उसकी विश्वसनीयता पे आज तक सवाल नहीं उठाए गए। लेकिन अभी कुछ दिनों में जो है ये स्टैटिस्टिकल जो हमारी डिपार्टमेंट है उस पर कुछ सवाल उठने स्टार्ट हो गए, और ये स्टार्ट कब हुआ, अर्ली 2015 में जब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इशूड अ न्यू जीडीपी सीरीज, और नए जीडीपी सीरीज जो इशू किए गए उसमें जो बेस ईयर क्या लिया गया था, 2011-12 को लिया गया, और उस बेस ईयर के अकॉर्डिंग दिखाया गया कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी 2011-12 से लेकर 13-14 मतलब यूपीए की गवर्नमेंट के वक्त जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही ज्यादा थी, फास्टर ग्रोथ रेट थी 2004-05 के मुकाबले। और इसमें ये भी चीजें दिखाई गई थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ रेट था न्यू बेस ईयर के अकॉर्डिंग जो 11-12 लिया गया था उसमें मतलब पहले के मुकाबले जब 2004-05 था तो हमारी ग्रोथ रेट थी -1.4, लेकिन जब 11-12 हमारी बेस ईयर बन गई तो ये ग्रोथ रेट बनकर आ गया +5.5%। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आखिर कैसे हो सकता है, इसको भी हमें सोचना होगा। जनवरी 31 को जब जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाया गया 2016-17 वह ये वही वक्त था जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया था, तब हमारी ग्रोथ रेट दिखाई गई थी 8.2%, और ये जो है पूरे 10 सालों में पिछले 10 सालों में सबसे मैक्सिमम हमारी ग्रोथ रेट थी, और उसी वक्त जो हमने डिमोनेटाइजेशन जैसे स्टेप्स लिए। तो आखिर ये कैसे साबित हो सकता है, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद हम पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, या फिर हम जो अभी देख रहे हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है -1.4 थी लेकिन सिर्फ बेस ईयर चेंज करने से ये जो है 5.5% हो गए, आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, और अगर ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं गलत हो रही है इसका भी कौन जिम्मेदारी लेगा। एज मैंडेटेड सिंस 1950-51 मतलब 1950-51 तक अब हमारी जो अगर स्थिति देखी जाए तो ये बेस ईयर का रिविजन जो है कुछ नई बात नहीं है, हर मतलब जब जब हम लोग ये डेटा को प्रेजेंट करते हैं बेस ईयर का रिवीजन होता है, एंड सीएसओ ऑलवेज पब्लिश द बैक सीरीज विद इन अ फ्यू मंथ। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग उस डेटा को दिखाते हैं उसके बाद बैक सीरीज भी पब्लिश की जाती है हमारे सीएसओ को द्वारा ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। बेस ईयर के बारे में मैंने आपको समझा रखा है पहले, बेस ईयर मतलब कि जैसे बहुत सारी चीजें जैसे कि मान लो ओयो रूम हो गया, तो ओयो रूम जो है ये अभी अभी कॉन्सेप्ट कुछ आप देख रहे हो 8-10 सालों में निकल कर आई है,
लेकिन 8-10 साल पहले से ओयो रूम जैसी कॉन्सेप्ट नहीं थी। तो लेकिन ओयो रूम जैसी कॉन्सेप्ट नहीं थी, ये तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। आप जाकर ओयो रूम में अगर आप होटल बुक करते हो तो इसका मतलब क्या, आप वहां पर पैसे देते हो। आप जो भी पैसे वहां पर पे करते हो तो ये तो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है मतलब क्या कि इसकी जीडीपी में भी कुछ ना कुछ सहभागिता है। लेकिन ओयो रूम जो था मान लो कि 8-10 साल पहले तो नहीं हुआ करता था। तो हम लोग जब कंपेयर कैसे करेंगे कि पहले की गवर्नमेंट और अभी की गवर्नमेंट जो है किस तरीके का डेवलपमेंट की, जबकि यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर को लेकर आते हैं। बेस ईयर मतलब इस बीच का कोई ऐसे साल को उठाते हैं और उससे हम लोग उस न्यूट्रलाइज करके उस डेटा को लाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं। दिस टाइम इट टुक ओवर द 3 ईयर्स। लेकिन इस बार जो बेस ईयर दिया गया, जो हम लोग कहते हैं ऑलवेज पब्लिक द बैक सीरीज डेटा, इसको 3 साल लेट से दिया गया। और उसके साथ साथ टू कॉम्पीटिंग बैक सीरीज जो है, जो बैक सीरीज दिया गया क्योंकि 3 साल बाद आया, तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप के बैक सीरीज पब्लिश किए गए। और दोनों बैक सीरीज के अगर आप तरीके देखो और दोनों के रिजल्ट देखो, दोनों के स्टैटिस्टिक्स देखो, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नजर आते हैं। मतलब सेम सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन के बनाया हुआ, सेम डेटा को लेकर बनाया गया, लेकिन से दो जो है बैक सीरीज को निकाला गया और दोनों है, दोनों 2 स्टोरी को टेल कर रहा है। तो आखिर हम जो है किस पर विश्वास करें, जबकि हमारी जो सीएसओ पर जिस तरीके से हम लोग विश्वास करते हैं, ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। 1950 जब हम लोग संविधान लाए थे तब से लेकर अब तक ये जो है इंडिपेंडेंट वे में काम करती आ रही है। तो इन सब के बीच आप कुछ ऐसे भी मसले उभर कर आ रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्लानिंग, ये जो है FDI इनफ्लो डेटा हमारी कंट्री में कितनी हो गई, इसको भी अपडेट करना बंद कर दिया। जबकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में मेक इन इंडिया बहुत सक्सेसफुल बन रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये डेटा जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पिछले 1 सालों से अपडेट नहीं की गई। और इन सब के बीच हम लोग जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा सुधार हुई। हम लोग 142 पोजीशन से 78 पोजीशन पे 2018 में पहुंच गए। तो ये जो पहुंच गए, हमारी रैंकिंग सुधर गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बिजनेस करने के लिए जो इन्वायरमेंट है ये क्या हो रहा है, बेहतर बन रहा है। इन बिजनेस करने के लिए इन्वायरमेंट बेहतर बन रहा मतलब क्या कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर इंडिया में आकर क्या करेंगे, पैसे को लगाएंगे। लेकिन जब पैसे को लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, प्रोडक्शन होगा। लेकिन क्या हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ी है पिछले 5 सालों में, ये बात आप कह सकते हो कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है। क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, नहीं हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। तो जब हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है तो फिर इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किए गए सुधार के, ये जो आप रैंकिंग में सुधार हुए, इसका हम लोग क्या मतलब निकालें, ये जो है अपने आप में एक अनदर क्वेश्चन मार्क रेज करता है। आप अगर देखो एक और एग्जांपल इसमें दिया कि रसिया जो है 120 था इसका पोजीशन 2012 में और ये 120 से इंप्रूव होकर आ गया 20 में, 20 नंबर रैंकिंग कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रसिया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां के फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है। मतलब वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, चाइना के लोग जाकर वहां इन्वेस्ट नहीं करते। मतलब ये जो आप डूइंग बिजनेस जो है ये रैंकिंग का और मतलब लोग वहां पर आकर इन्वेस्ट करें, इसमें कोई भी रिलेशन हमें सीधे तौर पर नहीं दिखती है। सिंस 1995 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये पब्लिश करती है डेटा किसके रेट पे, सुसाइड के बारे में। ये जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखो तो वो हमारे देश में पिछले 1 वर्षों में कितनी सुसाइड हुई वो सब डेटा यहां पर दी जाती है। लेकिन ये भी डेटा जो है अब देना बंद कर दी है कंसर्न्ड अथॉरिटीज। और ऐसे करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में जैसे किसानों के प्रति जितनी भी वो लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम के कारण जो वो सुसाइड करते हैं, तो कितने किसान सुसाइड कर लिए, कितने मेंटली हैरेस्ट पीपल हैं, ये चीजों को भी हम लोग पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही आपको बताया कि कोई भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज का, कंसर्न्ड बॉडीज का जब तक हमें डेटा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कंसर्न्ड पॉलिसीज नहीं बना सकती है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, तो हम लोग गरीबी हटाने के लिए पॉलिसीज स्कीम्स किस तरीके से बना सकते हैं। नीति आयोग CEO कहते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है, और वो किस आधार पर कहते हैं, वो कहते हैं कि EPFO में मेंबरशिप जो है ये
बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन हमारे चीफ स्टैटिस्टिक्सन की अगर आप बात सुनो तो वो कहते हैं कि ईपीएफओ डेटा को हम लोग के तौर पर हम लोग इस चीज़ों को अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन किसी कंट्री की बेहतर हुई है या नहीं है। तो अब हम लोग बताओ किसकी बातों को सही माने, नीति आयोग के सीईओ की बातों को सही माने या फिर हमारे स्टैटिस्टिकन जो चीफ हैं उनकी बातों को सही माने। सीईओ का क्लेम है कि 22 मिलियन जॉब जो है 2014 से 16 के बीच में क्रिएट की गई, लेकिन इट डज नॉट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली अन इकोनॉमिकली वैलिड एक्सप्लेनेशन। ये जो जॉब है किस तरीके से किस सेक्टर में दी गई, वहां पर कब दी गई, कैसे दी गई, इस क्वेश्चन का आंसर भी जो हमें रियल रूप में नहीं मिलता। तो हम लोग इस पूरे आर्टिकल में ये समझते हैं कि हमारी जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है इस पर जो है एक पॉलिटिकल हस्तक्षेप हो रही है, जो कि होना सही बात नहीं है। हमें जो है सही डेटा मिलनी चाहिए और जैसे जो हम लोग डेटा हमारे सामने आ रहे हैं और जो हमारी इरेगुलरिटीज दिख रही है तो उससे क्या होगा, लोगों का भरोसा बंद हो जाएगा। हमें जो है सही बातें जब नहीं पता चलेगी ना तो हमारी गवर्नमेंट सही पॉलिसीज बना पाएगी और ना ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर कभी भी भरोसा करेगी। तो ये एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जिसे हमें जल्द से जल्द निवारण करने होंगे। पुलवामा अटैक हुआ और इसमें जो जिस तरीके का एक्सप्लोजन हुआ उसका मैग्नीट्यूड जो था इस बार बहुत ज़्यादा था और ये जो जिस तरीके से इस बार अटैक किया गया वो मतलब इंडिया में खास करके पहली बार इस तरीके को अपनाया गया। इसमें जो है सीआरपीएफ के लोग जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर चुके हैं और उससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहाँ पर खामियां रह गई जिसके कारण ऐसे डिजास्टर हो पाए और उस खामियों को हमें जो है फ्यूचर में किस तरीके से हम लोग सुधार कर सकते हैं, इसलिए भी ये जो इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताई कि बहुत सारे एडिटर हैं, बहुत सारे लोग हैं, टीवी में आप लोग जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कारण बताए जा रहे हैं कि इस कारण से हुआ, उस कारण से हुआ, उस कारण के बीच जो है एक कारण जो सबको ही कॉमन बता रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर के कारण हुआ और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा हैव कम ऑन द हाईवे फ्रॉम द विलेज रोड। जो भी सुसाइड बॉम्बर था वो जो है अपने कार को ड्राइव करके अपने गांव से लेकर हाईवे तक आता है और उस वो जो कार है उस कार में आईडी भरी होती है और वो जो आईडी है लगभग 100 केजी के आसपास होती है। तो 100 केजी के आईडी को लोड करना, उसे ड्राइव कर लेकर आना और फिर उसे कहां पर आपने स्टोर करके लेकर रखा, तो ये सारी चीजें जो है एक मिनट में नहीं हो सकती। ये सारी चीजों में प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है और उतने वक्त लगने के बावजूद भी हमें अगर हमारी इंटेलिजेंस उस रिपोर्ट को नहीं पहुंचाती है तो ये हमारे लिए एक कंसर्न की बातें हैं। वेयर वाज सच अ ह्यूज क्वांटिटी एक्सप्लोसिव स्टोर्ड बिफोर बीइंग लोडेड इनटू द कार। तो ये जो मतलब कार में जो इतना बड़ा आईडी रखा गया तो उससे पहले वो आईडी कहां पर स्टोर करके रखा हुआ था, पास के गांव में वहां पर पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी, बहुत सारे सवाल यहां पर उठते हैं। एंड टेररिस्ट यूजुअली सेलेक्ट अ प्लेस। अब आप देखो कि जो चीजें होती है जिस तरीके से हमारे सीआरपीएफ के कॉन्वॉय चल रहे थे तो लोग अटैक किस आधार पर करते हैं, जहां पर आपको स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा या पर मान लो कहीं पर शार्प टर्न मिल जाएगा तो वैसे जगहों पर क्या होती है ये जो गाड़ियों की स्पीड होती है वो कम हो जाती है और वही जो जगह होता है वहां पर अटैकर जो है वो अटैक करते हैं। तो वैसे जगहों पर जहां पर आप स्पीड हमारी कम होती है, जहां पर स्पीड ब्रेकर होते हैं, वहां उस एरिया को सैनिटाइज करने की आवश्यकता थी, वैसे एरिया पर हमें जो है ज्यादा कॉशियस रहने की आवश्यकता थी, जो चीज़ों को हम लोग नहीं कर पाए जिसे हम लोग जो है नज़रअंदाज किए। तो ऐसी नज़रअंदाजी आखिर क्यों हुई तो इसे भी समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस एजेंसी नीड टू बी बीफ अप। खैर जो भी बातें आएगी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी कि क्यों ये फेलियर हुआ, लेकिन अभी हाल के समय में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को थोड़ा और भी ज़्यादा क्या करना होगा, अपने सोर्सेज को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी अपरेटस हैं उनको भी हमें रिवाइव करना होगा। जैसे कि जो कार में जो बस में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, उनकी जो आप बुलेट प्रूफ जैकेट मिलनी चाहिए, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ये प्लान कर रही है कि जहां जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करते हो और लास्ट बॉर्डर तक जो है हर जगह हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल किया जाएगा। उसके अलावा ड्रोन्स भी एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हो सकते हैं कि हमारी कॉन्वॉय जहां से चल रही होगी उस कॉन्वॉय के आगे हम जो है सबसे पहले ड्रोन चलता रहेगा और कहीं
कहीं पर ऐसी कुछ एक्टिविटीज अगर दिखती है जो कि सस्पेक्टेबल होगी तो वहां पर क्विक रिएक्शन टीम तुरंत पहुंच सकती है और वहां पर एक्ट कर सकती है, और फिर ट्रैकर डॉग्स का भी हेल्प लिया जा सकता है। और खास करके छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए, झारखंड, उड़ीसा, वहां पर जिस तरीके सीआरपीएफ के ऑपरेशन में सक्सेस मिली है तो उसमें ये ट्रैकर डॉग्स की भी सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी, तो उसे भी हम लोग जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। खास करके एक न्यूज ये भी आई कि अब जो है हमारे जवान को मतलब रोडवेज से नहीं लेके जाएगा, उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये देखो मतलब ये ठीक है, प्रेजेंट सिनारियो में हमारे लिए एक बहुत अच्छा न्यूज लग रहा है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे एलिमेंट, फ्रिंज एलिमेंट्स, कुछ 10-15 लोगों के कारण हमें डर कर रहना पड़ रहा है, तो ये एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है कि हम अपने देश में हमारे सैनिक ही फ्रीली नहीं घूम सकते, उन्हें डर कर जो है हवा में मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द जो है क्विक एक्शन और एक रॉबस्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।